आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज MYK लेटिक्रीट 226 थिक बेड मोर्टार एंड लेटिक्रीट कंसंट्रेट फॉर स्क्रीड एंड रेंडर लेटेक्स 3642। तो ये बेसिकली प्लास्टर के लिए पाउडर और केमिकल है। इसका यूज करके आप वाटर प्रूफिंग प्लास्टर कर सकते हो। आप इसका यूज कहाँ पे कर सकते हो? इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लोर पे और इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्स पे। आपको थिकनेस कितनी रखनी है? 12 से 50 mm के बीच में आप प्लास्टर की थिकनेस रख सकते हैं। तो आपको इसका रेशियो लेना है। जैसे कि आप लेटिक्रीट का 226 पाउडर ले लेंगे और आपको लेटिक्रीट का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर स्क्रीड एंड रेंडर का केमिकल लेना है। इसमें आपको रेशियो यूज करना है 1:4। आप 1 लेंगे केमिकल और 4 लेंगे आप वाटर। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 kg केमिकल लेने वाले हैं तो 4 kg आपको वाटर लेना है। उसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करके उसके बाद लेटिक्रीट के 226 थिक बेड मोर्टार के उसमें मिक्स करना है प्रॉपर तरीके से और उससे आपको प्लास्टर करना है। लेकिन प्लास्टर करने से पहले हम घोला मारते हैं नॉर्मली, तो घोला मारने के लिए आपको क्या यूज करना है? उसके लिए रेशियो आपको लेना है 1:3। 1 आपका केमिकल और 3 आपका पाउडर। तो यहाँ पे आप केमिकल सेम ले सकते हैं, लेटिक्रीट का 3642 जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर स्क्रीड है, लेकिन आपको पाउडर इसके लिए इस्तेमाल करना है लेटिक्रीट का 111। जब आप प्लास्टर कर देंगे तो आपको 12 से 24 घंटे उसे सूखने देना है। और एरिया ये डिपेंड करता है कि आप प्लास्टर की थिकनेस कितनी रखने वाले। 12 से 50 mm के बीच में आप प्लास्टर थिकनेस रख सकते हैं। तो आपको प्लास्टर के लिए रेशियो लेना है सबसे पहले 1:4। यहाँ पे आपका 1 केमिकल है, 4 आपका वाटर है और जितना भी आप पाउडर मोर्टार लेना चाहते हैं इसमें, ये आपका लेटिक्रीट 226 थिक बेड यूज करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप उस पर घोला मारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेशियो लेना है 1:3। 1 आपका केमिकल है, 3 आपका वाटर है और यहाँ पे पाउडर जो इस्तेमाल करेंगे आप वो लेटिक्रीट का 111 कोड का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।